फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स डीडीए की अपकमिंग हाउसिंग स्कीम जो कि 30 जून से स्टार्ट होने वाली है, जिसमें 5000 फ्लैट्स की बुकिंग की जाएगी। तो इस स्कीम में यदि एलआईजी फ्लैट्स की बात करें तो मेनली यहां पे एलआईजी फ्लैट्स रहेंगे रोहिणी के, सिरसपुर के, नरेला के और लोकनायकपुरम के। एलआईजी फ्लैट्स के क्रम में हमने रोहिणी सेक्टर 34 और 35 की विजिट कर ली है, जिसमें कि मैंने आपको एलआईजी फ्लैट्स के बारे में सारी चीज़ें बताई हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा हमने द्वारका सेक्टर 19B के MIG फ्लैट्स की भी विजिट की है, उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम सिरसपुर के LIG फ्लैट्स की विजिट करेंगे। सिरसपुर के 126 फ्लैट्स को इस अपकमिंग स्कीम में बुकिंग के लिए रखा जाएगा, ऐसे चांसेस है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, हम सिरसपुर के LIG फ्लैट्स की विजिट करते हैं। इन फ्लैट्स के विजिट करने से पहले हम जान लेते हैं कि इन फ्लैट्स का एरिया क्या रहेगा, इनकी कॉस्ट क्या रहेगी और इनकी लोकेशन क्या रहेगी। फ्रेंड्स सिरसपुर फ्लैट्स की लोकेशन जो है GT रोड से 1 किलोमीटर अंदर की साइड में है। मतलब बाईपास से सिंधु बॉर्डर की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट हैंड पे आपको सिरसपुर लिबासपुर मिलेगा। तो सिरसपुर लिबासपुर रोड पे ही इन फ्लैट्स की लोकेशन है। यदि इन फ्लैट्स के एरिया की बात की जाए तो इन फ्लैट्स का एरिया जो है 36 स्क्वायर मीटर का है, और इन फ्लैट्स की कॉस्ट की बात की जाए तो इन फ्लैट्स की कॉस्ट जो है 17,50,000 से लेकर 17,75,000 रुपए है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इन फ्लैट्स का एक बाहर से व्यू देख लेते हैं। फ्रेंड्स हमने बाहर से इन फ्लैट्स का एक व्यू देखा, अब चलते हैं DDA ने जो सैंपल फ्लैट रखा है देखने के लिए, उस फ्लैट को हम अंदर से देखते हैं। एक तो बच्चे हैं छोटे छोटे। ये बालकनी फर्स्ट फ्लोर पे भी रहेगी? हाँ बालकनी सब में है, सब में। पानी तो आ रहा है इसमें, ये सारा चालू कर दिया होगा, अगर टूटी वोटी नहीं लगा है। फ्रेंड जैसा कि हमने सैंपल फ्लैट को अंदर से देखा तो हमने देखा कि इसमें एक ड्राइंग रूम है, एक सेपरेट टॉयलेट है, एक सेपरेट बाथरूम है और एक आपका एक बेडरूम है। बेडरूम के साथ एक आपको किचन भी आपको यहां पे देखने को मिला होगा, और यहां पे एक बालकनी भी है। आपको बालकनी ग्राउंड फ्लोर पे भी मिलेगी, फर्स्ट फ्लोर पे भी मिलेगी, सेकंड फ्लोर पे भी मिलेगी, और इसके ऊपर जो भी फ्लोर है सब पे आपको बालकनी देखने को मिलेगी। जैसा कि रोहिणी सेक्टर 34-35 में आपको ग्राउंड फ्लोर पे बालकनी नहीं मिली थी, लेकिन यहाँ पे आपको ग्राउंड फ्लोर पे बालकनी मिलेगी। रही बात यहाँ पे बेसिक एमिनिटीज़ की, तो यहाँ पे आपको बिजली प्रॉपर आके, बिजली तो खैर पूरी दिल्ली में कहीं भी दिक्कत नहीं है क्योंकि सारा का सारा प्राइवेटाइजेशन है। TPDD और BSES बिजली के सप्लायर हैं दिल्ली के अंदर, तो बिजली की दिक्कत कहीं आती नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी पानी की दिक्कत भी यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे वाटर सप्लाई प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है वाटर की। और छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट्स कोई भी आपको चाहिए तो इन फ्लैट्स के प्रीमिस के अंदर ये एक दूध की दुकान है, तो वहाँ पे आपको सारे मिल्क प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, कोई ऐसा दिक्कत आता नहीं है। बाकी आसपास में मार्केट भी है, कोई भी सामान आपको लेना हो सब सामान आपको वहाँ पे मिल जाएगा, किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। एडवांटेजेस की बात करें तो इन फ्लैट्स का एडवांटेज यह है कि ये फ्लैट जो है GT रोड से मात्र 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, आपको यहाँ पे पहुँचना ईजी है, कनेक्टिविटी आसान है,
अप्रोचेबल है बेसिकली ये, और यहाँ पे सारी बेसिक एमिनिटीज आपको इजीली मिल जाएंगी। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इन फ्लैट्स के नुकसान क्या हैं। फ्रेंड्स ले दे के फ्लैट के नुकसान ही नुकसान हैं, बहुत सारे नुकसान हैं। सबसे पहली बात, बहुत महंगे हैं, 17.5-18 लाख के ये फ्लैट्स हैं। आप वहाँ पर जाएंगे तो जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं ना, वो आपको 15 लाख में फ्लैट देने को तैयार हैं। 15 लाख में भी दे देंगे लोग आपको फ्लैट, क्योंकि लोग फंस चुके हैं वहाँ पर। रीज़न एक तो बेडरूम बहुत छोटा है, बेडरूम क्या पूरा फ्लैट ही काफ़ी छोटा है, बहुत अजीब सा ही फ्लैट लगा, कुछ समझ में नहीं आया यहाँ पे। तो मेरे को रोहिणी सेक्टर 34-35 के फिर भी अच्छी लोकेशन है मिला जुला के, लेकिन यहाँ पे तो कुछ समझ में नहीं आया कि क्या है यहाँ पे। ना गेट पे कोई गार्ड है, ना कुछ है, कोई सिक्योरिटी नहीं, जो मन कर रहा है आ रहा है, जो मन कर रहा है जा रहा है, बिल्कुल ही मतलब सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं। पास में दारू की दुकान है, पास में वाइन शॉप है, तो एक दिक्कत तो रहेगी रहेगी। बाकी जो इसके सामने जो रोड है वो जो है इंडस्ट्रियल एरिया का रोड है, पूरे दिन ट्रक आते हैं जाते हैं, ट्रकों की लाइन लगी रहती है। लिबासपुर और सिरसपुर का इंडस्ट्रियल एरिया वहीं पे है, लगता है इंडस्ट्रियल एरिया में ये फ्लैट बना दिए गए हैं, तो पूरे दिन ट्रक की लाइन लगी रहती है, एकदम बहुत बुरा हाल है वहाँ पे। फ्लैट इतने छोटे हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा कि कब घुसे और कब फ्लैट ख़त्म हो गया। बहुत ही घटिया कंस्ट्रक्शन है ये फ्लैट। DDA पिछले 10 साल से बेचने का प्रयास कर रहा है, लेकिन DDA इसमें सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। उसलिए DDA ने इसमें काफ़ी फ्लैट्स जो हैं CISF को दे दिए। CISF वही जो मेट्रो की सिक्योरिटी में इन्वॉल्व होती है और एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में इन्वॉल्व रहती है। CISF को दे दिए काफ़ी फ्लैट्स, दो दो फ्लैटों को जोड़ के एक फ्लैट बना के DDA ने CISF को दे रखे हैं। यहाँ पे फ्लैट बिल्कुल मत लेना भाई, जिसको लेना है लीजिए, आपको पसंद है आप ले सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से दिल्ली के जो सबसे वर्स्ट लोकेशन है जो DDA के फ्लैट्स के मामले में, दो ही हैं, एक सिरसपुर दूसरा रामगढ़ जो जहांगीरपुरी वाला है। दोनों फ्लैट्स बहुत महंगे हैं और किसी काम के नहीं है, बिल्कुल बेकार फ्लैट्स हैं। फिर भी आप एक बार चाहें तो जाके देख सकते हैं, वहाँ की आसपास की लोकेशन देख लीजिए। बस कनेक्टिविटी के मामले में सही है, बाकी कुछ भी सही नहीं है। कनेक्टिविटी सही है, बगल में मीट शॉप बहुत सारी है, लगातार 10-12 दुकानें हैं मीट की, जिनको मतलब वहाँ पे कंफर्टेबल है वो लोग ले सकते हैं। जो वाइन वगैरह की दुकान है और बगल में ही मीट शॉप है, तो जो लोग कंफर्टेबल है दे कैन अप्रोच देयर, वो लोग वहाँ पे ले सकते हैं। फ्रेंड्स सिरसपुर फ्लैट्स के बारे में जो भी व्यू मैंने दिया है बिल्कुल सोच समझ के दिया है, काफ़ी मतलब इस पर इसको देख के दिया है। बाकी आप एक बार देखना चाहें फ्लैट्स को जाके देख सकते हैं, और जब DDA की स्कीम 30 जून को खुलेगी तब आप उन फ्लैट्स की बुकिंग करा सकते। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।